और अब बात करते हैं इंदौर की, जहां नजदीकी गांव में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। फांसी लगाने से पहले उसने 7 माह की बेटी को घर के बाहर दहलीज पर सुला दिया था। लोगों ने बच्चे को बिलखते देखा तो दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर नवविवाहिता फंदे में झूल रही थी। सिमरोल पुलिस के मुताबिक चोरल जंगल के पास राजपुरा निवासी पूजा विजय ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। पूजा घटना के समय अपनी 7 माह की बेटी के साथ ही थी। सुबह पति विजय और ससुर रुमाल सिंह और सास सरपंच की चुनावी रैली में गए थे। वो शाम को घर लौटे जब लोगों ने उन्हें सूचना दी। वहीं फांसी के फंदे पर झूल रही पूजा को लोगों ने फंदे से नीचे उतारा और शाम करीब 4 बजे परिजनों की मौत की जानकारी दी गई, जिसके बाद पति सास ससुर रैली छोड़कर घर पहुंचे। पूजा के पिता मांगीलाल भी नजदीक के ही गांव में रहते हैं। उन्होंने बताया कि करीब 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी। पति कृषि मजदूर है। वही पूजा का देवर सेना में है। पिता मांगीलाल के मुताबिक पूजा ने किसी तरह की परेशानी को लेकर उनसे कोई बात नहीं कही थी। हालांकि पुलिस के मुताबिक दंपति के विवाद की बात सामने आ रही है, जिसमें परिवार के बयान बाद में लिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज। हमको तो दूसरे लोगों ने बताया कि ऐसा हो गया, तो हम वहाँ से आए। घर पे कोई था उस समय? कोई नहीं था। इसके कितने बच्चे हैं? एक लड़की है। कितने साल की है? 7 महीने। वो कहाँ थी? उसको बाहर सुला दी थी सर, खाट पे। अच्छा, फिर वो रोई जब दूसरे उनको मालूम पड़ा सर।